टेंशन नहीं मेरा। ये कड़ी है, कीमा है और ये क्या है? चिकन कोरमा। चिकन कोरमा मांस की दाल है। मेरा हाथ नहीं है। ये बिरयानी तो जनाब हमारा जो मेन्यू था ऑर्डर जो हमने किया था वो आ गया। जैसा कि ताऊ भाई ने बताया कि दाल है मूंग की, चने लाहौरी हैं और रायता है, सलाद है और रोटी है। तो आइए पहले चेक करते हैं हम ये दाल जिसका मैं सुनकर आया था यहाँ पर मेरे सामने। ये आप देखें ऊपर से इन्होंने तड़का सा लगाया हुआ है और ये दाल के ऊपर जो है मसाला ऊपर से डाला हुआ है। ये देखें बिल्कुल घुटी हुई दाल होती है ना, मिक्स हुई हुई घुटी हुई दाल है ये, इसमें दाने वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से ये तेल का तड़का आपको नज़र आ रहा है और मसाला ऊपर से डाला हुआ है। तो ये दाल का निवाला है जी। ये बहुत ज़बरदस्त जायका है जी। आप ये समझे कि अमूमन जो हम दाल खाते हैं उसमें थोड़ा सा कच्चा सा बन होता है, लेकिन ये जो दाल बनी हुई है बिल्कुल ठीक ठाक किस्म से है। इसको गोटा लगा हुआ लग रहा है और ठीक ठाक इसको पकाया हुआ है, तो खाने में बिल्कुल अलग ही जायका है इसका दाल का। और ये जो तड़का लगाया है तड़के से और ज़्यादा इसको मज़ा आ रहा है, तड़का ज़्यादा मज़ा दे रहा है। बेहतरीन जबरदस्त। साथ में ये सलाद भी आप खा सकते हैं साथ में, और ये रायता भी दिया इन्होंने। दरमियान में आप मर्जी है आपकी, आप रायता ले सकते हैं। फुल मज़ा दे रहा है ये मेन्यू। चने जो लाहौरी चने हैं ये देखें, काबली चने हैं और इसकी जो साइज़ है वो छोटे साइज़ के चने इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, ये हम चखते हैं फिर बताते हैं। जायका अच्छा है। मसाला जो इन्होंने गरम मसाला ऊपर से डाला हुआ है उसका जायका बिल्कुल अलग से पता चल रहा है कि गरम मसाला डाला हुआ है। और सालन उमन जो होता है लाहौरी चने होते हैं, बिल्कुल जायका बिल्कुल मीट कर रहा है लाहौरी चने को। तो मैं आप लोगों से सजेशन दूंगा कि जो लाहौरी चने के दीवाने हैं वो यहाँ पर आएँ और लाहौरी चने ट्राई करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साजिद साहब के साथ, जो साजिद पहलवान हैं यहाँ के ऑनर हैं। तो आइए ज़रा साजिद साहब से बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या सुविधा है। जी साजिद साहब, बताइएगा थोड़ा सा अपने होटल के बारे में। सर ये काफ़ी टाइम से तकरीबन 2001 से ही होटल है। हमारे मशहूर डिशें जो है उसमें जैसे अंडा चना है, मुर्ग चना है, कोफ्ता चना है, पाया होता है स्पेशल, पाया होता है, पाया नली पाया होता है, दाल मूंग की जो पतली मशहूर है हमारी दाल, वो दाल होती है। उसके अलावा चाय वगैरह, बाकी दिन के और आइटम हैं जो तकरीबन 8-10 होते हैं, जिसमें अंडा नाश्ते में नाश्ते पाए और चना होता है। जी नाश्ते में पराठे से लेके चाय और मशहूर आइटम हमारे ये तीन हैं, पाया हो गया, स्पेशल पाया हो गया, अंडा चना, मुरग चना, चना दाल जो पतली दाल है जिसको हम पीली दाल कहलाते हैं, ये मशहूर है ज़्यादा। और दोपहर का जो खाना है उसमें क्या है? दोपहर के खाने में चिकन कोरमा होता है, इसके अलावा कड़ी पकौड़ा होता है, निहारी होती है, दाल माश होती है, दाल चना होती है, सब्जियाँ दो किस्म की होती हैं, मिक्स सब्जियाँ। उसके अलावा बिरयानी चिकन होती है,
चिकन पुलाव होता है, रोटी नान, फरमाइशी चपाती, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लस्सी हमारी अभी मशहूर है माशाल्लाह गर्मियों के सीज़न में। अच्छा, लस्सी जी, लस्सी मशहूर है। इसके अलावा हमारे पास खीर होती है, ज़रदा होता है, ये तमाम आइटम होते हैं। बेकरी का भी तकरीबन सुबह के टाइम जैसे नाश्ता बेकरी का होता है, ये भी हमारे पास होता है। होटल में आप देखें माशाल्लाह हर चीज़ आपको नज़र आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।